आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। गढ़वाल बीआरएस विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर उनकी उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। 3 दिन पहले वरिष्ठ राजनेता केशव राव रेड्डी के शामिल होने के बाद वह ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल होने वाले 7वें विधायक है। अब तक 6 बीआरएस विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रमा राव के करीबी थे, 2023 के विधानसभा चुनाव में संयुक्त महबूबनगर जिले में जीत हासिल की थी। अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाने वाले केटीआर को उन पर बहुत भरोसा था। पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 6 विधायकों सहित कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे भारत राष्ट्रीय समिति को लगातार पलायन का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा दल बदल के साथ विधान परिषद में कांग्रेस की ताकत बढ़कर 10 हो जाएगी। इसी बीच ऐसी खबरें हैं कि पिछले दिन को पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद 4 विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ सार्वजनिक मामलों के सलाहकार के रूप में के केशव राव की नियुक्ति की घोषणा की है। विभिन्न सार्वजनिक मामलों पर सरकार को सलाह देने में उनकी नई भूमिका की पुष्टि करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया है। यह खबर केशव राव के हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद आई है। राजनीतिक संबद्धता के इस बदलाव के साथ ही उन्होंने अपनी राज्यसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद है कि के केशव राव तेलंगाना सरकार के सार्वजनिक मामलों के सलाहकार के रूप में अपनी नई भूमिका में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का खजाना लाएंगे। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के लिए सार्वजनिक चिंताओं और मुद्दों से जुड़ने और उन्हें संबोधित करने में एक नई दिशा का संकेत देती है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रमा राव और वरिष्ठ नेता टी हरीश राव सहित बीआरएस नेताओं ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल में एमएलसी के कविता से मुलाकात की और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की संभावना है। दोनों बीआरएस नेताओं ने दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली जमानत याचिका पर चर्चा की। कविता की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद दाखिल की जाएंगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर होने की संभावना है। जमानत याचिका दायर होने तक केटीआर और हरीश दिल्ली में रहेंगे और वकीलों की टीम के साथ समन्वय करेंगे। बीआरएस नेताओं ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें जल्द ही जमानत मिल जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा एमएलसी कविता की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बीआरएस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रही है। कविता को हाई प्रोफाइल दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था और राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। आज दोनों तेलुगु राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक के लिए मंच तैयार है। आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे खुले दिमाग से विभिन्न लंबित विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करेंगे और लेने और देने की नीति अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आमने सामने की बैठक से दोनों राज्यों के बीच अधिकांश मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश से नायडू के अलावा 3 मंत्री, राजस्व मंत्री अनागनी सत्यप्रसाद, आरएनबी मंत्री जनार्दन रेड्डी और पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश के अलावा मुख्य सचिव और अन्य सचिव बैठक में भाग लेंगे। वहीं तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क, मंत्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, तुमल्ला नागेश्वर राव और सीतक्का के अलावा मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी करेंगे। सबसे दिलचस्प मुद्दा जिस पर चर्चा होगी वह भद्राचलम में उन 5 गांवों का विलय होगा जिन्हें राज्य के विभाजन के बाद एक अध्यादेश के माध्यम से आंध्र प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये गांव तेलंगाना के भौगोलिक क्षेत्र में होने के कारण पीड़ित है। शुक्रवार को एक महिला कंडक्टर और अन्य महिला यात्रियों की सहायता से तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में यात्रा करते समय एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। GTSRTC के अनुसार यात्री की पहचान श्वेता रत्नम के रूप में हुई है, जिसने बस में यात्रा के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने मुशीराबाद से अपनी यात्रा शुरू की थी और बहादुरपुरा के पास उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। GTSRTC कंडक्टर आर सरोजा और बस में अन्य महिला यात्रियों की सहायता से उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। GTSRTC के प्रबंध निदेशक VC सजनर ने बस में कंडक्टर सरोजा और अन्य महिला सहयात्रियों को उनके मानवीय हस्तक्षेप के लिए बधाई दी। ऐसा कहा जाता है कि समय पर प्रतिक्रिया के कारण माँ और बच्चा सुरक्षित है।
यह सराहनीय है कि आरटीसी कर्मचारी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सेवा के भाव दिखा रहे हैं। हैदराबाद में जीएचएमसी नगर निगम की बैठक में आज अराजक हो गई, क्योंकि बीआरएस नगर सेवकों ने महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा भाजपा नगर सेवकों ने हैदराबाद में बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बैठक में सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पदेन सदस्यों सहित विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें तीखी नोकझोंक देखी गई, क्योंकि बीआरएस नगर सेवकों ने बीआरएस से कांग्रेस पार्टी का पता लगाने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के इस्तीफे की मांग की। जवाब में मेयर ने पार्टी दल बदल को बढ़ावा देने में उनकी कथित भूमिका पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए बीआरएस नगर सेवकों पर हमला बोला। उन्होंने उनसे अपने कृत्य पर शर्मिंदा होने का आग्रह किया और उनके खिलाफ विरोध करने के लिए उनकी आलोचना की। आज तड़के मेदक जिले के हवेलीपुर मंडल के नागापुरम गेट के पास मेदक एला रेड्डी रोड के करीब एक तेंदुए के घूमने का वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सड़क पर यात्रियों ने तेंदुए का वीडियो कैद कर लिया। गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ने के कारण वह शांत खड़ा रहा। लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि झाड़ियों के अंदर एक और तेंदुआ है, हालांकि दूसरा वीडियो फुटेज में नजर नहीं आया। वीडियो हवेलीपुर एसआई पुचन्ना को भेजा गया। आज सुबह जब वन अधिकारी वहां पहुंचे तो तेंदुआ जंगल में गायब हो चुका था। वीडियो कैप्चर होने के कुछ ही घंटों बाद मेदक जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। सड़क के करीब तेंदुए को देखे जाने में स्थानीय समुदाय में दहशत फैल गई है। वन अधिकारियों ने किसानों और पशुपालकों को अलर्ट पर रखा है और उनसे इस क्षेत्र में न जाने को कहा है। वन अधिकारी तेंदुए को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल के पयोली में दिमाग खाने वाले अमीबा से एक और बच्चा संक्रमित हो गया है। इस बीमारी को अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी से अभी तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है। मई के बाद से राज्य में दुर्लभ मानसिक संक्रमण का यह चौथा मामला है और सभी मरीज बच्चे हैं, जिनमें से तीन की पहले ही मौत हो चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी केरल के पयोली जिले में एक बच्चे को यह संक्रमण पाया गया है। एक निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। बता दें कि इससे पहले कोझिकोड में दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित होने की वजह से 14 वर्षीय मृदुल नामक बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर में से एक ने बताया कि उसे 1 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उसके हालात में सुधार हो रहा है। डॉक्टर ने आगे बताया कि शनिवार को ही इस संक्रमण की पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद से बच्चे का इलाज किया जा रहा है। लगातार फैल रहे इस संक्रमण को लेकर रोकने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बैठक की थी। इस बैठक में अशुद्ध जलाशयों में स्नान न करने सहित कई सुझाव दिए गए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।